अब मेरे साथ हैं प्रियांशी, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में सीनियर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल मिला है जिन्हें। तो प्रियांशी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि आपको जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो प्रियांशी, अब आप थोड़ा बताइए, आप कब से जेवलिन कर रही हैं? सर, मैंने 2019 से स्टार्ट करा था जेवलिन, मैं वाज इन 10th क्लास। अच्छा, तो उस ईयर मेरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अच्छा, पर इस ईयर ये था, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अच्छा, ब्रॉन्ज आ गया। अच्छा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आगे नेशनल भी खेलूं। अच्छा अच्छा, तो पिछली बार आपका क्या था? सर, पिछली बार था गोल्ड। अच्छा, जोन में पहली बार गोल्ड था आपका। हाँ जी, अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन क्योंकि आप अच्छा फील नहीं कर रही हैं, तो इसलिए आपका ब्रॉन्ज रह गया इस बार। हाँ जी सर। अच्छा, पहले इवेंट में थोड़ी सी तबीयत खराब हुई। हाँ, तो उसी की वजह से थोड़ा उस पे परफॉर्मेंस पे आपकी पे फर्क पड़ा। तो बेटा, कब से आप कर रहे हैं जेवलिन? 2019 से, उससे पहले नहीं आप करते थे? अच्छा, तो बेटा शेड्यूल क्या होता है आपका, प्रैक्टिस वगैरह कहाँ करते हैं आप? सर, प्रैक्टिस में करते हूँ विवेक विहार में, एक ग्राउंड है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे एक्चुअली वो खाली ग्राउंड है, वहाँ ज्यादा लोग आते नहीं, इसलिए वहाँ जेवलिन की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, वो क्योंकि जेवलिन के लिए बहुत सारा खुला एरिया चाहिए। अच्छा, विवेक विहार में किसी ग्राउंड में करती हैं आप? अच्छा अच्छा, तो आपके पेरेंट्स का आपका पूरा कोऑपरेशन है? क्योंकि जनरली ये देखा जाता है स्पेशली गर्ल्स के केस में कि पेरेंट्स जो है थोड़ा मतलब मना करते हैं कि नहीं जाओगी, नहीं तो आपको आपको आपके पेरेंट्स पूरा कोऑपरेट करते हैं, मुझे हर चीज में सपोर्ट करा, चाहे वो एकेडमिक हो। अच्छा बेटा, या चाहे कोई अदर करिकुलर एक्टिविटीज। जी जी जी, इन सब में भी पार्टिसिपेट करते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, कल भी मुझे यहाँ तक छोड़ने मेरे पेरेंट्स आए। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, जब फैमिली से सपोर्ट मिलता है तभी बच्चा आगे ग्रो करता है, तभी उसका कॉन्फिडेंस बनता है और हौसला आता है कि मैं अच्छा करूं, क्योंकि पेरेंट्स ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो बेटा, आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं? सर, फ्यूचर प्लान है मेरा सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, साइंस स्ट्रीम की हूँ मैं, तो यहाँ के बाद में जेईई मेंस की तैयारी करूंगी और अच्छा, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन। आप पीसीएम पीसीबी से? और सर, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में स्पोर्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो अच्छा ट्राई। अच्छा अच्छा, नहीं अभी जब यहाँ से आप फ्री हो गए हैं, जैसे आपका यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल है, तो इंटर जोन के लिए तैयारी करेंगी आप? इंटर जोन के लिए सिल्वर और गोल्ड वाले। अच्छा, उसके लिए करेंगी आप? अच्छा, सिल्वर गोल्ड वाले। अच्छा, ठीक बेटा, ठीक है ठीक है। ओके प्रियांशी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपको आपके सुंदर भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। अब मेरे साथ हैं आशी चौधरी। तो आशी, आपके बारे में बताइए, आपका कौन सा इवेंट था? मेरे दो इवेंट्स थे, उनमें से एक था 3000 किलोमीटर और एक था 800 मीटर, जिसमें मेरा थर्ड आया है 800 मीटर में। और 3000 मेरा हुआ नहीं क्योंकि मैं स्प्रिंग की हूँ, बट मैंने लॉन्ग में लिया, ट्राई किया। अच्छा अच्छा, लेकिन ट्राई करने के बाद थर्ड आया है। कौन से स्कूल से हैं आप? RSKV नंबर 1 बुलंदशहर। अच्छा बेटा, तो कब से कर रहे हैं आप रनिंग? 2019 से, 9th क्लास से। अच्छा, तो पहले भी आपने पार्टिसिपेट किया है इसमें? कब किया था? पिछले साल किया था। तो तब क्या था, मेडल वगैरह लगा था आपका? तब 2 राउंड हुए थे, उसमें से 1 राउंड के अंदर 2nd पोजीशन थी और दूसरे में पैर में चोट लग गई थी तो गिर गई थी, तो नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आपको आज क्या मिला है? आज थर्ड पोजीशन मिली है। कितने मीटर में? 800 मीटर। 800 मीटर, बहुत अच्छा। तो अब आप आगे के लिए क्या प्लानिंग कर रहेंगे, स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करेंगे या फिर मतलब बीच में ड्रॉप करेंगे, कैसे करेंगे? आगे मेरा 12th के बाद एनडीए करने का, नेशनल डिफेंस अकेडमी। हाँ, नेशनल डिफेंस अकेडमी। पीसीएम मेरे पास साइंस साइड है, पीसीएम। अच्छा, पीसीएम में पढ़ते हो आप, बहुत अच्छा। मेरे को या तो एवी में जाना या फिर नेवी में एयरफोर्स में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप कितने देर प्रैक्टिस करते हैं और कहाँ पर प्रैक्टिस करती हैं? सूरजमल पार्क के कम से कम 2 राउंड लगाने पड़ते हैं डेली। अच्छा, डेली वहाँ पर सूरजमल पार्क में 2 राउंड आप वहाँ के पूरे करती हो? Yes. अच्छा अच्छा, तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, पेरेंट्स आपको पूरे सपोर्ट करते हैं? मतलब सारे घर वाले स्पोर्ट्समैन हैं। और अच्छा, स्पोर्ट्समैन है आपके पेरेंट्स भी? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप थर्ड प्लेस है, तो आप इंटर जोन तो नहीं जाएंगे, तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर आप। हाँ, बहुत अच्छी बात है, फिर आप आगे प्रैक्टिस करें और आगे ट्राई करें। तो थैंक यू आपका, तो आपके सुंदर भविष्य के लिए आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं और आशीर्वाद। थैंक यू।